सामान्य रीते राष्ट्रीय चैनलों में इतिहास हो राजनीति विषय चर्चा करता पुष्पक पंत जी एमने रसोई विषय पर पुस्तकों लख्या है, इंडियन कजिन पर लख्या है, एमन इंडिया द बुक पण छे। अपनी साथ गुजरात लिटरेचर फोरम में आवेला पुष्पेत पंत जी से अपनी साथ है। पुष्पेत जी, अभी जो गुजरात और जो देश में राजनीति की स्थिति है, आपको क्या लगती है कि उसमें अभी जो हो रहा है देश में इतिहास के नाम के भगवान के नाम पे उसकी क्या असर होगी? नहीं, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसी चिंता एकाएक नहीं लगती है। देखिए, मुझे लगता है कि आज ही ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो पहले नहीं हो रहा था। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसकी पहली मिसाल तो पिछले साल डेढ़ साल में हमारे सामने आई, वो ऐसा नहीं है। मुझे 1984 के दंगे भी याद हैं, मुझे उसके पहले के दंगे भी याद हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे एकाएक देश में परिवर्तन हुआ है। मगर जहाँ तक ये बात है कि देश में सहिष्णुता का माहौल कम हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे मन में सहिष्णुता का अभाव शुरू से रहा है। भारतवर्ष में कहीं ना कहीं वो जाति का संस्कार उसके साथ है, कहीं सामंती संस्कार है, तो उसको तत्काल आजकल की राजनीति से जोड़ना मुझे समझदारी नहीं लगता है। अभी देश में शांति का माहौल है, यूपी में चुटनी आ रही है, तो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा अभी जिस तरह से राजनीति रूप का रूप रंग दिया जाए, क्या लगता है उसकी राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा? मुझे लगता नहीं कि आज देश में नौजवान पीढ़ी इतनी मूर्ख है कि मंदिर के निर्माण के नाम पर या बाबरी मस्जिद के ध्वंस के नाम पर आप किसी तरह का उन्माद पैदा कर सकते हैं। लोगों की बुनियादी रुचि अपनी रोजी रोटी पर है, शांति के माहौल पर है, और मुझे लगता है लोग आर्थिक विकास चाहते हैं। और अब भावावेश में लोगों को भड़का कर मत नहीं कह सकते। एक आध जगह दंगा भड़क सकता है, मगर उसका दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है। कोई भी भड़का है उसे, कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई भी हो, मैं कम से कम मेरे मन में इस बारे में बिल्कुल साफ हुई है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बिहार में तो स्पष्ट हो चुका है कि धार्मिक उन्माद फैलाना बहुत संभव नहीं है और भावावेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर मत नहीं कह सकता। अभी जो ये पठानकोट में जो अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का रुख बदला है, क्या लगता है कि? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का रुख बदला है, और मुझे लगता है कि पठानकोट की घटना इतनी बड़ी घटना है कि उसे तूल दिया जाए। निरंतर ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और मुझे लगता है कि समझदारी इसमें है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद जारी रहे। सर, एक नया आयाम आपके साथ वो भी है कि आपने फूड पे बहुत लिखा है, गुजराती व्यंजन आज आपने खाया होगा, क्या लगता है गुजराती व्यंजन की विशेषता क्या लगी? नहीं, देखिए, मेरी माँ काठियावाड़ की थी, तो मेरे लिए गुजराती व्यंजन नए नहीं है। मैं बचपन से गुजराती व्यंजन खाता रहा हूँ और मुझे अपने घर के जैसे लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है। गुजरात में आप आए हो, आप आते रहते हो, तो कौन सी जगह आपको लगती है कि जहाँ आप अच्छा खाना मिलता है? और जाहिर है, मुझे सूरत में बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ौदा भी बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अहमदाबाद का खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, मगर निश्चित रूप से मुझे सूरत और बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है। कौन सा गुजराती व्यंजन आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, मुझे एक तो उदिया बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उसके अलावा नाश्ते के लिए ढोकला अद्भुत लगता है, खमन ढोकला। मुझे लोचा भी अच्छा लगता है, मुझे थेपले मेथी बड़े अच्छे लगते हैं चूतरों के संग, मुझे कढ़ी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बाजरे की खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है। अब बचपन से जो खाया वो तो आपकी ज़ुबान पर चढ़ ही जाता है। उंधिया आपने बोला, लोचा आपको अच्छा लगता है, इसका कोई रीज़न पर्टिकुलर? उसका रीज़न ये होता है कि घर पे वो आसानी से बनते नहीं थे ना। जब आप बाहर खाते हैं, जिस चीज़ को बनाने में तामझाम लगता हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा दुर्लभ होता है। पुष्पेश पंत जी सामान्य रीत में राजकीय चर्चा करें, गंभीर चर्चा करें, इतिहास विषय चर्चा करें, पण जर व्यंजन विषय बात करे छे तारे एमना मोह पर एवो अवभाव आवे छे कि एमने खास करीने 16 व्यंजन जम्या होय। कैमरामेन साथे परेश दवे, VTV अमदावाद।